हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मैंने अपने वीडियो की शुरुआत कर दी है और मैं आज शाम से करी है अपने वीडियो की शुरुआत। तो मैं पहले चाय बनाऊँगी शाम वाली और उसके बाद मैं सब्ज़ी वगैरह लगाऊँगी। इसके पापा सब्ज़ी लेकर आए थे तो सब्ज़ी वगैरह लगाऊँगी और इसके पापा हलवे के लिए गाजर लेकर आए थे सब्ज़ी के साथ, तो उनको भी मुझे करना है झाड़ू वगैरह। शाम के हो गए रूम तो करते हैं काम और करते हैं आपके साथ शेयर। अगर आपको वीडियो पसंद आए, एंड तक बने रहिए वीडियो में। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए करते हैं काम, पहले बनाते हैं चाय। और ये आ गई हूँ मैं किचन में और यहाँ पर मैंने चाय बनाकर कर ली है तैयार और छान भी लिया। और ये हैं जलेबी और नमकीन, तो फटाफट से आइए और सब नमकीन और चाय और जलेबी खा लो। और चाय वगैरह पीने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर रूम में। और रूम में अनुष्का ने की थी पढ़ाई, प्रोजेक्ट वगैरह बनाए थे उसने, अपने स्कूल का काम किया था तो यहाँ पर उसने फैला दिया था कचरा और मैं उसकी कर रही हूँ यहाँ पर साफ़ सफाई। उसके सारे सामान को उठा करके रख दूँगी ऊपर और फिर अच्छे से इस कपड़े को झाड़ करके और फिर लगाऊंगी मैं यहाँ पर झाड़ू। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ, इसमें कचरा सा फैल रखा था और वैसे भी शाम का समय है, सारे घर में झाड़ू लगनी ही है, तो मैं यहाँ पर लगा दूंगी अच्छे से झाड़ू। और थोड़ा थोड़ा से ही देखो कितना सारा कूड़ा निकल आया है, काफ़ी सारा हो गया है कूड़ा इकट्ठा, ये देखिए। और मैं अच्छे से निकाल रही हूँ चारों तरफ से। और अब मैं आ गई हूँ बाहर की साइड छत पर, इधर मैं कपड़े लेने आई थी तो मैं आपको दिखा रही थी कि जहाँ पर भागवत हो रही है वो हमारी छत से दिखाई दे रही है, ये देखिए। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ अब किचन में और मैं यहाँ पर दिखा रही थी आपको सब्जी, अनुष्का के पापा लेकर आए थे सब्जी, तो ये देखिए ये लेकर आए हैं यहाँ पर प्याज और ये हैं आलू, हरा धनिया और गाजर, टमाटर और मटर, ये इतनी सारी सब्जी लेकर के आए थे। और आलू थे पुराने, नए वाले नहीं मिले थे, यहीं पर एक भैया आए थे बेचने के लिए तो इन्होंने यहीं से ले लिए थे। और मैंने कहा चलो कोई नहीं, आप ये वाले ही ले लो, काम तो आ ही जाएंगे। और मैं यहाँ पर सब्जी को लगा रही हूँ, देख रही हूँ जहाँ जहाँ मुझे लगाना है सारी सब्जी को। तो मैं ये टोकरी है जिसमें मैं आलू, प्याज और ये सारी सामान रखती हूँ, लहसुन वगैरह, तो मैं उसको उतार रही हूँ यहाँ पर उतार करके। और एक टोकरी थी नीचे, इसमें कुछ सामान रखा हुआ था, ये मेरे से गिर गया तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ जो भी कुछ काम की चीज़ें हैं उनको निकाल लूँ, बाकी को फेंक दूँ। तो ये सब काम चल रहा है मेरा किचन में और अब मैं यहाँ पर इन सब को लगाऊँगी, जो इस मुझे इस टोकरी में लगाने हैं उन चीज़ों को मैं इसमें लगा लूँगी और जो मुझको फ्रिज में रखने हैं उनको मैं फ्रिज में रख लूँगी। और मैं इनको झाड़ रही थी यहाँ पर, थोड़ा इसमें वो हो रहा था छिलके वगैरह से हो जाते हैं, नए आलू रखते हैं तो उनका भी हो जाता है, छिलका सा उतरता है। और लहसुन वगैरह मैंने कहा अब जब उतार ही लिए तो इसको अच्छे से झाड़ करके और सेट कर देते हैं अच्छे से, इसका वो भी हो जाएगा। तो मैंने कहा जब इसमें सब्जी रखी रहे तो क्यों ना इसको अच्छी तरह साफ़ कर लें, झाड़ करके अच्छी तरह रख देंगे। तो मैं वही काम यहाँ पर कर रही हूँ और ये देखिए मैंने ये झाड़ रही हूँ, ये देखिए, क्योंकि नए आलूओं में मिट्टी चिपकी रहती है और उनका छिलका भी उतरता रहता है और उनको धोकर रख देते हैं, जैसे कि हम लाए बाजार से धोकर रख दें तो वो फिर भी ख़राब हो जाते हैं, उनको धोकर भी नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मेरी वो वाली साफ़ सफाई चल रही है। और इधर ये गाजर रखी हुई हैं हलवे के लिए, हलवा बनाने के लिए ये गाजर भी लेकर आए थे जो इधर पोलोथीन में रखी हुई हैं मेरी। तो ये सब काम कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो मैं अब ये मैंने सफाई तो कर दिया इसकी, अभी ना आलूओं को लगा रही हूँ नीचे, नीचे वाले खाने में तीन खाने होते हैं इसमें, तो एक में मैं लगा दूँगी पुराने वाले आलू और एक में लगाऊँगी मैं नए वाले आलू और ऊपर रखूँगी लहसुन प्याज वगैरह जो भी कुछ है उनको रख दूँगी यहाँ पर, ये देखिए। और इस काम को करने में भी काफ़ी समय चला गया था मेरा, बहुत देर लगी थी। और मैंने क्या किया, पहले तो लगा ली झाड़ू और मुझे बाद में याद आया कि मुझको ये सब्ज़ी वगैरह लगानी है, तो फिर झाड़ा, सारा झाड़ा पहुंचा तो उससे भी काफ़ी कचरा हो गया था। और उसके बाद मैंने फिर दोबारा से झाड़ू लगाई तो काफ़ी समय चला गया। अब दिन भी बहुत छोटा होता है,
पता ही नहीं चलता कब दिन निकलता है और कब शाम हो जाती है। सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है काम करने में, काम निपटते नहीं हैं। काम तो उतने ही हैं लेकिन दिन छोटा हो गया है, तो इस वजह से सारे दिन दौड़ लगानी पड़ती है काम के पीछे, और जब जाके हम काम को निपटा पाते हैं अपने को, तो अब मैं इसको उठा करके ऊपर रख दूँगी। ये देखिए इसको मैंने ऊपर रख दिया है, अच्छे से कर दिया है सेट और अपनी जगह पर इसको रख दिया है यहाँ पर। मंगाया है हमने, मंगाया था मैंने खोवा क्योंकि अनुष्का मांग रही थी गाजर का हलवा, और उसके पापा पनीर भी ले आए हैं, तो इसमें खोवा और पनीर है। और मैंने फ्रिज में इसलिए नहीं रखा है क्योंकि ये पहले से ही काफ़ी जमा हुआ है, बहुत ज़्यादा सख्त हो रहा है, इसलिए मैंने भारी रख दिया था इससे ढक कर के। तो पनीर की सब्जी भी बनाएंगे, और इधर पड़े हुए हैं कपड़े जो कि मैं अभी उधर से उतार करके लेके आई थी, तो इनकी मुझे तह भी करनी है। और मैं यहाँ पर अपना कैप लगा लेती हूँ क्योंकि ठंडी हो रही है बहुत ज़्यादा, सर में दर्द हो जाएगा, इसलिए मैंने अपना कैप भी लगा लिया है। और उधर अनुष्का बैठकर छील रही है मटर और क्या बोलते हैं लहसुन वगैरह, उसको मैंने दे दिया, मैंने कहा बेटा आप छील लेना, तो वो छील रही है। और इधर मैं दूध गर्म कर रही हूँ, इसको मैं जमा दूँगी दूध को। और इधर मैंने ये गाजर रख दी है उठा करके, इनको मैं रात को मतलब छील के कस के रख दूँगी। अभी तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि अभी मैं इनको छील दूँ, तो मैं इनको रात को कर दूँगी। ये मैंने इधर रख दिए हैं इसलिए। तो ये यहाँ पर मैंने ले लिए हैं टमाटर जो कि पहले रखे हुए थे, आज जो लिए हैं वो नहीं लिए हैं, वो थोड़े अभी चल जाएंगे एक आधा दो दिन, और ये नहीं चलेंगे इसलिए इनको यूज कर लूँगी। और ये प्याज है, ये प्याज काफ़ी पुरानी हो गई है, तो ये ऐसे उगाई है, पहले मैं इसको यूज करूँगी। जो आज ली है वो मैंने उसमें से नहीं लिया। और ये हरा धनिया है, ये मैंने सब्जी के लिए हरा धनिया साफ़ कर लिया है, तो मैं इन सबको साफ़ करूँगी। उधर अनुष्का कर रही है लहसुन वगैरह साफ, तो जल्दी से काम हो जाएगा और फिर जल्दी ही खाना बन जाएगा।
यहाँ पर मैंने जीरा डाल लिया है और अब इसमें डाल रही हूँ खड़े मसाले और जो मैंने ग्रेवी बनाकर रखी थी टमाटर प्याज और हरी मिर्च लहसुन अदरक सब की वो मैंने इसमें डाल दी है और अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी और मैं इसको चलाती रहूँगी ताकि नीचे ना चिपके जल्दी जल्दी। और ये मैंने दही ले लिया, मैं इसको अच्छे से फेंट लूँगी, इसमें डालूँगी पनीर में। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी, तो मैंने ये कस्तूरी लाल मिर्च ले ली है एक चम्मच और ये डालूँगी मैं लाल मिर्च जो हम डेली में सादा यूज करते हैं। और अब डालूँगी मैं इसमें हल्दी, हल्दी थोड़ी सी मैंने पहले भी डाल दी थी जब ये मसाले भुने थे पहले, और इसको अच्छे से चलाऊँगी। और अब डालूँगी इसमें नमक और नमक थोड़ा कम ही डालूँगी क्योंकि पहले भी नमक मैंने डाल दिया था। और इसको अच्छे से चलाती रहूँगी तब तक ये भुन ना जाए, इसका तेल ऊपर ना आ जाए। और मसाले मैं अभी इसमें नहीं डालूँगी, गरम मसाला, सूखा धनिया, जीरा, जीरा वाला वो पाउडर, तो उसे मैं बाद में डालूँगी जब सब्ज़ी बन जाएगी। ये देखिए इस पर ऊपर तेल आने लगा है, ये अच्छे से भुन गया। मैं इसमें दही डाले देती हूँ और इसको चलाऊँगी फटाफट से वरना ही फट जाएगी दही। ये मैंने यहाँ पर मटर भी डाल दिया इसमें और ग्रेवी ज़्यादा ही बन गई थी, मुझे याद नहीं रहा कि मटर पनीर बनेगा क्योंकि अनुष्का की फरमाइश थी मटर पनीर की सब्ज़ी की और उसकी फरमाइश पर बनाई है मैंने आज मटर पनीर की सब्ज़ी। और ये देखिए सब्ज़ी हमारी अच्छे से पक गई है और कैमरे में कलर थोड़ा चेंज आ रहा है। मैं इसमें गरम मसाला डाल दूँगी और मैंने इसका मसाला डिब्बे में किया था तो मैंने इसमें थोड़ा सा बचा लिया था आपकी सब्ज़ी में डालने के लिए। और मैं इसको डाल दूँगी इसमें, अब इसको पोलोथीन को फेंक दूँगी और ये रहा हरा धनिया, इसको भी इसमें ऐड कर दूँगी। और हम तीनों के हिसाब से सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा ही बन गई है क्योंकि इसके पापा पनीर लाए नहीं थे, किसी ने दे दिया था, ये कहीं गए थे तो ऐसे ही दे दिया था। अगर खुद लाते तो कम लाते, फिर अपने हिसाब से लाते तो ज़्यादा हो गया था। मुझ पर ग्रेवी ज़्यादा बन गई थी तो मुझे सारा ही बनाना पड़ा, कुछ नहीं कोई नहीं, सुबह को चावल बना लेंगे देखेंगे। वैसे तो ठंड बहुत है, अगर खाएंगे तो चावल बना लेंगे और दो टाइम चल जाएगी, कोई बात नहीं है, सर्दियों में तो चल जाती है। और मैंने कान्हा जी के लिए थोड़ा सा पनीर रख लिया है। तो इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करूँगी, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, खूब सारे कपड़े पहन कर रखिए, ठंडी बहुत ज़्यादा है, और गर्मा गर्म चाय पीते रहिए। मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।